आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रैंडम हॉल. रिसेंटली आई हैव विजिटेड फीनिक्स पलासियो विच इज इन लखनऊ. एंड आपको पता ही है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं. मैं वहाँ पर शूट के लिए जाती हूँ एंड इट वॉज अ गर्ल्स डे आउट. तो मैं अपनी सिस्टर्स के साथ उस दिन स्पेशली शॉपिंग करने गई थी एंड आई हैव शॉप्ड अ लॉट. तो उससे पहले मैं एक बार गई थी फीनिक्स पलासियो, तो आज मैं एक कंबाइंड हॉल दिखाने वाली हूँ. सो ग्रैब योर वाटर बॉटल एंड सम हेल्दी स्नैक्स एंड लेट्स बिगिन द वीडियो. So I'm gonna show you a lot of items like clothing items, footwear, bags, cosmetics and मेरे पास कुछ होम का भी आइटम है. तो मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ इस पूरे वीडियो में. या तो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको H&M का दिखाने वाली हूँ. मैंने स्टोरी जैसे ही लगाई थी, मेरे पास इतने सारे DMs आए थे कि आप क्या लेके आए हो, आप ट्राई ऑन करो, आप प्लीज़ दिखाओ आप क्या क्या लेके आए हो. तो थोड़ा सा डिले हो गया था इस वीडियो को शेयर करने में, बिकॉज इतना सारा आइटम है और एक वीडियो में करना थोड़ा सा मुझे प्लान करना पड़ रहा था. बट फाइनली अब दिखाने जा रही हूँ. तो सबसे पहला जो आइटम है वो है H&M की एक बहुत ही प्यारी सी, इस टाइम ये कलर बहुत ज़्यादा इन है एंड ये टी शर्ट है, एक क्रॉप टी शर्ट है. एंड जैसे ही मैंने इसे देखा, मेरा दिल इस पर आ गया था कि एनी हाउ मुझे इसको लेना है. तो बहुत ही प्यारी सी कॉटन फैब्रिक में, एक ब्राइट पॉपी ग्रीन सी, ऐसा कलर बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रहा है ज़ारा H&M में. सो एक साइड पे आपको मैं ट्राई ऑन दिखा दूंगी एंड प्राइसेस और जो भी मेरा साइज है ना वो स्क्रीन पर आपको मैं मेंशन कर दूंगी. एंड ये मैंने सारे स्टोर से लिए हैं, तो मैं जिस जिस की भी लिंक प्रोवाइड करा पाऊंगी वो मैं करा दूंगी. सो दिस इज द फर्स्ट टी शर्ट. एंड इसके बाद मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने ये टॉप पहना था, ये भी मैंने H&M से लिया है. ये बहुत ही प्यारा सा एक बेबी पिंक में टॉप है जिसका हॉल्टर नेक है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये भी फैब्रिक इसका जो है ना वो कॉटन होजरी में है, बट बहुत ही अच्छा है. दिस इज़ वेरी समरी एंड इस टाइम मेरा बहुत मन कर रहा था ऐसे कलर्स पहनने का ब्राइट ब्राइट से, तो मैंने इसको लिया. ये भी क्रॉप टॉप है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो. टॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं ये पहने में, बहुत ही क्यूट लगते. इसके बाद मैंने ये थर्ड टॉप लिया है जो कि सेम हॉल्टर में है एंड दिस इज़ इन रिबन. एंड उस दिन सेल चल रही थी काफ़ी आइटम्स पे. सो दिस इज़ द टॉप. और अभी मैं आपको जीन्स दिखाने वाली हूँ. जीन्सेज ली हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट वन, हाई राइज जीन्स है एंड यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको डैमेज मिल जाएगा. और ये कुछ ऐसी है, स्ट्रेट फिट है, नीचे से थोड़ी सी डैमेज है. ये फर्स्ट जीन्स है एंड सबके ट्राई ऑन मैंने किए हैं. कुछ के तो मैंने वहीं पर बना दिए थे क्योंकि लाइट में बहुत अच्छे से दिखता है. एंड ये वाली है जिसको अभी ट्राई नहीं किया है. दिस इज़ लूज स्ट्रेट हाई वेस्ट एंकल लेंथ और ये आपको दिख रही होगी. तो दो सेम है क्योंकि मेरी सिस्टर और मैंने एक जैसी ली थी, तो इसके दो डिफरेंट साइजेस हैं. और ये एक और पैटर्न है, ये लाइट शेड में है थोड़ी सी. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये यहाँ पर डैमेज है और दिस वन इज़ ऑल्सो स्ट्रेट फिट. एंड H&M में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लाइक आपका जैसे मेरा वेस्ट साइज 28 है, बट H&M में मुझे 36 और 38 ऐसा लगता है. तो अगर आपको इशू हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, देन आप वहाँ पर जो ना वर्कर्स काम करते हैं आप उनसे बात कर सकते हो एंड वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे. तो ये थी जीन्स, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत डिस्क्रिप्शन में बहुत बड़ा हो जाएगा. एक फुटवेयर ली थी जो कि मेरी सिस्टर ने ली थी, मैंने नहीं ली थी. ये वाइट कलर की फुटवेयर्स हैं, बहुत ही सेक्सी सी हैं. ठीक है, इसमें बस इतनी हील है, बहुत ज़्यादा हील्स नहीं हैं. एंड ये ऐसी हैं कुछ वाइट कलर की H&M एंड हर साइज इज़ 36. सो ये है H&M की हील्स जो कि बहुत ही प्रिटी है. तो H&M का सारा आइटम खत्म हो चुका है. ऑन टू दी मैक्स. मैक्स गई थी तो मैक्स का ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ ट्राई ऑन अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया है. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्रॉप टी शर्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम मैक्स. ये भी एक बहुत ही अच्छे फैब्रिक, मतलब कॉटन फैब्रिक में, एंड इट हैज़ दिस पिंटरेस्टी प्रिंट. इसमें आप सामने देख सकते हो बहुत ही अच्छी यहाँ पर प्रिंट बनी हुई है, ब्रोकन हार्ट लीव्स बनी है एंड यहाँ पर एक पिक्चर है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टी शर्ट जो कि क्रॉप में है एंड मैक्सी ड्रेस है फ्लोरल वाली, क्या आप लोगों ने देखी है. ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ. सो दिस वॉज फॉर शायद 1000 रुपीज़ एंड ये कुछ 500-600 रुपीज़ में थी. ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ अ स्लीपर और ये स्लाइडर्स और स्लिप ऑन जो भी आप कहते हो, ये लिया है मेरी सिस्टर ने, मुझे मैंने तो नहीं लिया है. कुछ ऐसे दिखती हैं एंड पेस्टल्स आर ऑल्सो वेरी इन. तो ये ब्लू पेस्टल में एंड इसमें पफर वाला जो न्यूज टाइम चल रहा है ना वैसा वाला इसमें ये डिज़ाइन बना हुआ है. ये थी लास्ट आइटम मैक्स.
अब मैं आपको ट्रेंड से जो भी मैंने एक दो आइटम यस और मैक्स से दो आउटफिट और लिए थे बच्चों वाले सेक्शन से. मेरी नीस की बर्थडे थी उसके लिए एक स्कर्ट ली थी बहुत प्यारी सी और एक ब्लू कलर की छोटी सी ड्रेस थी जिसमें एक स्लिंग बैग अटैच था बहुत ही क्यूट था. मैं पिक्चर यहाँ पर लगा दूंगी जिससे आप लोग को रेफरेंस मिल जाए. इनकेस आप लोग को चाहिए तो आप बच्चों का सेक्शन भी चेकआउट कर सकते हो. सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ट्रेंड्स रिलायंस ट्रेंड्स और मार्क्स एंड स्पेंसर्स का. एंड फैन और एसी ऑन ऑफ करके वीडियो करना है सो टफ तो प्लीज इग्नोर द मेस मेरा हेयर सारे ऐसे हो रहे हैं. मैक्सी ड्रेस जो कि ट्रेंड से ली थी एंड ये है रियो एंड रियो ब्रांड है उन्हीं का. उन्हीं की स्मॉल में है ये. बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है. इसमें भी पूरे फ्लोरल प्रिंट्स बने हुए हैं एंड इसमें ऊपर ना स्मोकिंग वाला इफेक्ट दिया है जो कि सेम उस ड्रेस में भी था. इससे क्या होती है ना फिट बहुत अच्छी आती है तो यहाँ पर आपको स्मोकिंग इफेक्ट मिल रहा है. एंड दिस वन इज ऑल्सो स्ट्रैपी एंड इसमें ना एडजस्टेबल स्ट्रैप मिल जाती है तो बहुत ही प्यारी लगती है. इसका फिट बहुत अच्छा आता है तो ये मेरी सिस्टर ने पहनी हुई थी. एंड अब मार्क्स एंड स्पेंसर से दो मैंने आउटफिट लिए थे. काशी गई थी वहाँ पे मेलोरा का शूट था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा रील में. एंड इट्स अ ज्वेलरी ब्रांड गोल्ड का उनके पास कलेक्शन है. बहुत ही अच्छा डेंटी पीसेज है तो मैं गई थी तब मैंने ये ट्राउजर्स पहने थे वाइट टॉप के साथ. आप चेकआउट कर लेना. तो उसके बाद मेरे पास इतने डीएम्स आए हैं हाईलाइट चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको लिंक चाहिए. वैसे मैं यहाँ पर भी दे दूंगी बट दिस इज अ हाई वेस्ट ट्राउजर जो कि बहुत ही सही है. बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आती है एंड इसमें सामने आपको ऐसी स्टिचिंग मिल जाती है. पिंक वाले टॉप के साथ भी मैंने इसको पेयर अप करके पहना था जब मेरी नीस की बर्थडे थी फर्स्ट. और यहाँ पर आपको इलास्टिकेटेड यहाँ पर बैंड मिल जाती है इसकी वजह से फिट बहुत अच्छी आती है. तो ये बहुत ही सही मुझे ट्राउजर मिल गई थी विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव 3499 की थी बट ये काफ़ी वर्थ है अगर मैंने इतना स्पेंड किया है. इसके बाद मैंने एक टी शर्ट ली है मार्क्स एंड स्पेंसर से जो कि ऐसी है कुछ. इसमें आपको सामने ऐसा प्रिंट मिल जाता है फ्लोरल प्रिंट बहुत क्यूट लग रहा था. और इसका कलर ऑल्सो बहुत अच्छा है ब्लू कलर की है कॉटन की है तो लगती रहती है डेली यूज में. सो ये थी टी शर्ट. एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ दो बैग टू बैग्स. वन इज़ फ्रॉम ऑल्डो एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम वैन ह्यूजन. सो मैं इनको अच्छे से शॉपर्स में कलेक्ट के रखती हूँ जिससे इनके ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैचेस वगैरह ना आए. सो दिस इज़ द बैग एंड ये बहुत ही प्रिटी मुझे लगा था स्पेशली द न्यूड कलर. एंड इट हैज़ मतलब पूरा इसमें ना एक क्रॉक स्किन वाला टेक्स्चर है. एंड ऐसा पैटर्न में मेरे पास स्क्वायर में कोई भी बैग नहीं था एंड दिस इज़ सो प्रिटी. एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. इसमें आपको स्लिंग भी मिल जाता है तो तीन तो आपको इसमें ना सिर्फ हैंग करने के लिए चीज़ मिल जाती है एंड सब कुछ रख सकते हो. मैंने इसको अच्छे से रखा है. मैं अपनी चीज़ें मेरे पास इतने सारे बैग्स हैं. अगर आप लोग को हॉल देखना हो प्लीज़ लेट मी नो. मेरे पास बहुत सारे हैं मोर देन 30 बैग्स तो होंगे आराम से. नेक्स्ट बैग इज़ फ्रॉम वैन ह्यूजन एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टैन ब्राउन बैग. ये भी बहुत सुंदर सा एक टोट बैग है एंड इसकी स्ट्रैप बहुत अच्छी है. आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको चाहिए. एंड इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है ठीक है. इसमें भी मैंने अच्छे से इसको रख रखा है. इससे क्या होता है आपका बैग भी इसका शेप बना रहता है और आपके बैग्स नहीं ख़राब होते हैं. तो मेक श्योर आप बहुत सेफली इनको रखो. एंड अगर इस तरह का ना सिमिलर बैग या ऐसा बैग अवेलेबल होगा तो मैं आपको दे दूँगी. मुझे इसकी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मैंने रील शेयर करी थी. नेक्स्ट है मेरे पास मैक कॉस्मेटिक एंड न्यू का कुछ आइटम बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ. मैक कॉस्मेटिक से ली थी स्ट्रोब क्रीम जो कि है पिंक लाइट शेड में एंड दिस इज़ वेरी गुड नाइस ग्लो जब आप लगाते हो उसको बेस के नीचे तो आपको बहुत अच्छा ग्लो देती है. तो यू कैन ट्राई अगर आपने नहीं ट्राई करी है तो इसका स्मॉल पैकेजिंग है. उसको ओपन करके भी दिखा दे रही हूँ. तो इसकी स्मॉल पैकेजिंग कुछ इतनी बड़ी है विच इज़ मोर देन सफिशियंट अगर आप अकेले लगा रहे हो. तो ये मैंने ली थी स्पेशल ओकेजन में. आप डेफिनेटली इसको ट्राई करो एंड आपको पता लगेगा कितनी लाइट वेट होती है कितना अच्छा ग्लो आता है. एंड इसके बाद उनकी मैंने लिपस्टिक ली है मैक की ठीक है रूबी वू रेट्रो मैट लिपस्टिक. ये ऐसी कुछ पैकेजिंग हाउ इट लुक्स स्मॉल है एंड इसमें ना ऐसी आपको बुलेट लिपस्टिक मिलती है. एंड लुक एट द शेड बहुत ही प्यारा सा इसका रेड शेड है. बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है. एंड उसके बाद न्यू यू से दो कलर बार की नेल पेंट्स ली थी जो कि एक न्यूड शेड में है और एक रेड में है जो कि डेली यूज़ के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं. दीज आर लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत ही अफोर्डेबल होती हैं. इसका शायद प्राइस 175 rupees है एंड दीज आर वेगन. उसके बाद मैं आपको ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ H&M की और वेबसाइट की जो कि मैं आपको बीच में दिखाना भूल गई थी बिकॉज बहुत सारा आइटम है स्किप हो जाता है दिमाग से. तो मैं आपको ज्वेलरी पीसेस दिखा दूँ. तो आप ये देख सकते हो कि
टोटल थ्री सेट्स H&M से लिए थे डेंटी रिंग्स के. मैं आपसे पास से दिखा दे रही हूँ. ये वेस्ट साइड के, वेस्ट साइड से एक पूरा सेट है. तो ये सारी रिंग्स हैं. एंड ये जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है, ये 5-6 उनका अलग है. तो ये बहुत सुंदर सी गोल्ड में रिंग है सारी डेंटी. और मैंने इसमें पहनी है. इसके बाद भी मेरे पास अभी इसमें बहुत सारी रखी हैं. तो स्मॉल एंड मीडियम दो तीन थे, ठीक है. तो ये यहाँ की है. और मैंने, और ये एक ऑक्सीडाइज बड़ी सी रिंग है. दिस वन इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड. और एक मैंने डेंटी नेक पीस लिया था, जो कि ये है H&M का. दिस वॉज फॉर 399 रुपीज़. ये सर जस्ट ये मैंने अभी पहना भी था इसको मैंने. तो ये इसमें एक छोटा सा बस फ्लावर बना हुआ है, बहुत ही प्रिटी सा है. एंड अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो भी मेरे पास होम का आइटम है. लाइक मेरे पास मार्केट 99 वेस्ट साइड और चुंबक के कुछ आइटम्स हैं. तो फर्स्ट वन इज़ दिस वन. ये एक बहुत ही प्यारा सा बॉक्स है. एंड दिस वन इज़ फ्रॉम चुंबक. बहुत ही सुंदर सा इसका कलर है. एंड इट हैज़ फ्लोरल प्रिंट. एंड यहाँ पर लिखा है गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. बहुत ही प्यारा सा है. एंड इसमें यहाँ पर ना आगे लॉक मिल जाता है इसके. सॉरी, तो आप देख सकते हो इसमें सारी रिंग्स हैं, ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट. एंड सेकेंड वन इज दिस वन, विच इज़ अ रोटी बॉक्स. बट ये वुडन एक बॉक्स है जो कि रोटी का है. बट इसमें हम लोग अपनी सारी जितनी इयर रिंग्स है ना, जितनी भी मेरी झुमकाज हैं हैवी, वो मैंने सारी इसमें रख रखी है. एंड ऐसे ही ओपन होता है एंड ऐसे बंद होता है. तो ये है सेकेंड. दिस वन इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड. फिर आई हैव टू कैंडल सेट्स. ये एक सिंपल है जो कि आप ग्लास वगैरह में रख के आराम से जला सकते हो. सेकेंड वन इज़ दिस वन, ठीक है. फर्स्ट ये है जिसमें चार कैंडल्स मिल जाती हैं. एंड सेकेंड वन इज़ दिस वन. इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है. तो ये है वेस्ट साइड की दो कैंडल्स. वी लव कैंडल्स, तो ये दो कैंडल्स हैं. एंड इसके बाद मार्केट 90 एंड यस वेस्ट साइड का ना एक मेरे पास कॉफ़ी टम्बलर भी है. एंड दिस इज़ इन ब्यूटिफुल मोका ग्रीन शेड और ऐसा है. तो आप देख सकते हो मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, बट फॉर शूट एंड उसके लिए बहुत अपीलिंग लग रहा है. तो ये मेरे बर्थडे पे मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था. एंड इसके बाद जो है ना मेरे पास मार्केट 99 की कुछ चीज़ें हैं. सो दिस इज़ द प्रिटी, बहुत ही सिंपल सा एक मग है. इसका सेकंड वन एक था जिसमें यहाँ पर बॉय का प्रिंट था, जैसे यहाँ पर गर्ल है ना वैसा, वो गिफ्ट कर दिया है. तो ये एक मग है. इसके बाद मार्केट 99 से ये बोल एंड ये मग वाला सेट लिया था, जो कि मैं अपनी स्टोरीज पे बहुत लगाती हूँ. इसमें मैगी खाते हैं हम लोग. और आपको सेपरेटली मिलता है, बट आप वहाँ पर ना देख सकते हो प्रिंट्स ऑलमोस्ट सेम है, एकदम ही सेम है. तो इसीलिए हम लोगों ने ले लिया था ये वाला सेट. एंड वी लव सिरेमिक के प्लेट्स एंड मग्स, तो ये वाली चीज़ें ली थी. एंड आई होप कुछ भी स्किप नहीं किया है मैंने. सब कुछ आप लोग को इस हॉल में दिखा दिया है. एंड मैं कोशिश करूँगी कि जितना छोटा हो सके एंड bearable हो सके. I hope you guys enjoyed this video and please let me know in the comment section. Like ज़रूर करेगा, share करिएगा और मुझे बताएगा. अगर आप मुझे Instagram और Facebook में follow नहीं करते हो तो please मुझे follow करिएगा and मेरे channel को subscribe करेगा. तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने next video में. and अगर मैं फिर से shopping करने गई तो मैं फिर से आपके साथ video share करूँगी. I will meet you in my next video. till then stay safe, stay happy, love you all, bye bye.